वेव्स का फेज डिफरेंस, जो भी इसका फेज है, जो भी इसका फेज है, इनका फेज डिफरेंस जो भी होगा, फेज डिफरेंस या तो जीरो या फिर टू पाई या फिर फोर पाई, सिक्स पाई एंड सो ऑन। तो कौन सी इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। एंड अगर जीरो पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, डिस्ट्रक्टिव। कंडीशन सबको क्लियर है? पाथ डिफरेंस की फॉर्म में जीरो लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा एंड सो ऑन। कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि लैम्डा का मतलब टू पाई होता है, तो फोर पाई का मतलब टू लैम्डा ही होगा। उसी तरीके से पाथ डिफरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव में करना है तो जीरो लैम्डा बाई टू, थ्री लैम्डा बाई टू, फाइव लैम्डा बाई टू एंड सो ऑन। तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। किसी को कोई डाउट इसमें? ये कंडीशन याद हो गई। अब इसी को हमें इम्प्लीमेंट करना है। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली थी कि अगर एक वेव है जिसकी इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है, दूसरी वेव है या दो वेव्स हैं इंटरफेरेंस के लिए, जो दूसरी वेव्स हैं उसकी इक्वेशन बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, यहां तक फाई का मतलब फेज डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स। हर पॉइंट पर यह फेज डिफरेंस चेंज हो सकता है। डिस्कस किया था हमने कि कभी ये फेज डिफरेंस जीरो हो सकता है, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों इंटरफेयर कर जाएं, इंटरफेयर करने के लिए दोनों वेव की इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया था लास्ट टाइम करके दिखाया था, ए साइन ओमेगा टी, बी साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इनको जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास ये वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक तो मेरे पास ये वाई की वैल्यू आ गई। फिर मैंने कहा था इसको अब आर कॉस थीटा पुट कर लो एंड इसको अब आर साइन थीटा पुट कर लो। ठीक है, यादव लास्ट टाइम डिस्कस किया था, दूसरे बैच में आए थे परेशान क्या? आई नहीं आए थे तो ये आपने किया नहीं होगा, मैसेज आते हुए समझ जाना। ठीक, तो ये चीज क्लियर है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा दो इक्वेशन है। जब मैं इसकी जगह आर इंटू कॉस ऑफ थीटा पुट करूंगा, इसकी जगह आर इंटू साइन ऑफ थीटा पुट करूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन का मतलब है फाइनली सॉल्व करने के बाद आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। कहने का मतलब है कि मेरी इक्वेशन साइन एंड साइन अलग अलग चल रही है, मेरे को एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ एक साइन आए या फिर एक कॉस आए। तो कहने का मतलब मेरी इक्वेशन क्या चल रही है, वाई इज इक्वल टू आर साइन ऑफ क्या, आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, वेयर थीटा अननोन है, आर अननोन है। आर का मतलब क्या है यहां पर? आर का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ न्यू वेव, क्योंकि जो दो वेव मैं ले रहा हूं एक का एम्पलीट्यूड ए है, जो दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड बी है, जब ये मिलेंगी तो नई वेव का एम्पलीट्यूड सपोज कितने है? आर है। ठीक है, यहां तक इसका मतलब समझ रहे हो, ए और बी और आर का क्या रिलेशन है। और अगर जो मैंने सपोज किया था ये दो इक्वेशन है, इनको मैं अगर स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करता हूं, अगर मैं इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दूं तो आर कॉस थीटा स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वन हो गया, ये चीज वन हो जाएगी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। यहां से आपके पास क्या आएगा? ए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो ये चीज वन हो जाएगी। कहने का मतलब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने के बाद यह आंसर आ जाएगा, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो आर की वैल्यू है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। कोई डाउट इसमें? ये चीज सबको क्लियर है। तो मैंने अपनी दो इक्वेशंस को सुपर इम्पोज करके एड करके एक नई इक्वेशन बनाई, नई वेव की इक्वेशन आई, नई वेव की इक्वेशन का नया एम्पलीट्यूड आर आया, वो आर की वैल्यू ए पे, बी पे और फाइव पे डिपेंड करेगी, जो फॉर्मूला आ गया। आर का मतलब नई वेव का एम्पलीट्यूड, और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि नई वेव का एम्पलीट्यूड आर है, और लाइट कितनी ज्यादा है, जिसको बोलते हैं कि क्वांटिटी ऑफ लाइट कितनी ज्यादा है, उसको किससे मेजर करते हैं? बाय टर्म इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी ज्यादा लाइट ज्यादा, इंटेंसिटी कम लाइट कम। ठीक, प्लस वन के अंदर भी वैसे ये टॉपिक हुआ करता है। मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से समझा सकता हूँ, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन है।
इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है वो तो मैं आपको फोटोमेट्री में ही करवाऊंगा। इन शॉर्ट इंटेंसिटी वर्ड तब यूज करते हैं, अमर नहीं आया, नवनीत भी नहीं, जसप्रीत अभी तो घूम रही थी, जसप्रीत कहां गई, अमर अमर जसप्रीत कहां गई, प्रिया अच्छा ठीक है। देखो 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 इंटेंसिटी, मैंने ये बोला साउंड बहुत जोर की आ रही है, एक आम बंदा खड़ा था उसने कहा साउंड बड़ी जोर की आ रही है, साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, साउंड हल्की आ रही है इंटेंसिटी बड़ी कम है, ठीक। अब टेक्निकली अगर इसको मैं बोलूंगा किसी को कि कॉपी पे लिख के दिखा या कॉपी पे बना के दिखा इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या है, इंटेंसिटी कैसे बन सकती है, इंटेंसिटी तो एक तरीका है जिससे हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, मैं उसको डायग्राम के कैसे रिप्रेजेंट करूं, बट एक्चुअल में फिजिक्स के अकॉर्डिंगली एक वेव है, अगर एक वेव का क्रेस्ट और ट्रफ बहुत बड़ा है, एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, तो साउंड, मान लो ये साउंड है, साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और अगर ये लाइट है तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, लाइट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रोशनी आएगी। तो एक मैथमेटिकल रिलेशन है, इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, जो प्रूफ हम बाद में करेंगे। तो एक्चुअल में जो कॉपी के ऊपर जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो एम्पलीट्यूड का चल रहा है, बट एक आम बंदा जिसको फिजिक्स भी नहीं आती वो क्या बोलता है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, उसको क्या पता यार एम्पलीट्यूड नाम की क्या चीज है, उसको तो ऐसे ही बोलता रहता है कि साउंड बहुत ज्यादा है, साउंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसको नहीं मालूम कि असली बात क्या है, असली बात तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है, इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस है कि साउंड बहुत जोर की सुनाई दे रही है या लाइट बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, टेक्निकली ये एम्पलीट्यूड से निकलेगा, ठीक है यहां तक। तो मैं अगर इंटेंसिटी की बात करूं तो आर, मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस ऑफ फाई, और मैं ऐसा कर सकता हूं, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई मैंने बताया कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई, रिजल्टेंट का मतलब दोनों वेव को मिक्स करने के बाद जो नया एम्पलीट्यूड आया आर, तो उस नई वेव की इंटेंसिटी जो होगी वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने है, तो ये क्या आ गया, आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाई। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट, अब इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम, भाई रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम, और मैक्सिमम तब आएगी जब पिछले रिलेशन में कॉस फाई की वैल्यू में मैक्सिमम पुट करूंगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, वन, और मैथ्स में कॉस फाई वन कब होता है, जब एंगल जीरो टू पाई फोर पाई, ये चीज तो ऑलरेडी मैं आपको समझाई चुका हूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, जब एंगल फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो टू पाई फोर पाई सिक्स पाई एट पाई एंड सो ऑन। मेरा करवाने का तरीका कुछ और था, ये तरीका मैथमेटिकल है, ठीक है यहां तक, बात एक ही है, असली चीज असली रीजन वही है जो मैंने आपको बताया था, पर मैथमेटिकली ऐसे करेंगे इसको प्रूफ। तो ये मेरे पास इन जनरल फेज, फाई का मतलब फेज डिफरेंस, अगर दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस टू एन पाई है, फिर एन कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन, तो इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव। और मैंने तो आपको ये भी बता दिया था कि जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, करके देख लो कि अगर आपका एंगल टू पाई है तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा, टू पाई कॉरस्पॉन्ड्स टू डिस्टेंस ऑफ लैम्डा, अगर वन है तो लैम्डा डिवाइडेड बाय टू पाई, और अगर फेज डिफरेंस कितने है टू एन पाई, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा इंटू टू एन पाई, टू पाई से टू पाई कैंसिल, तो क्या आ गया एन लैम्डा, एन लैम्डा का मतलब जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा, बताया तो था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब पार्ट डिफरेंस क्या होता है जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर लैम्डा एंड सो। ये चीज सबको क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर एक चीज तो क्लियर है कि अगर पाथ डिफरेंस टू एन पाई है या फिर सॉरी अगर फेज डिफरेंस टू एन पाई है और पाथ डिफरेंस एन लैम्डा है तो कौन से इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये चीज सबको समझ आ रही है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस शुड बी इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई
और पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव रीचिंग अ पॉइंट शुड बी जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। स्टेटमेंट में जो हमने भी की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई शुड बी मिनिमम, और आई का मतलब क्या था अभी डिस्कस किया था, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ फाइव। आई मिनिमम तब होगा जब कॉस फाइव की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी कि माइनस वन। माइनस वन कब होती है, जब एंगल मैथ्स में पाई होता है थ्री पाई होता है और फाइव पाई, कॉस ऑफ पाई माइनस वन होता है कॉस ऑफ थ्री पाई माइनस वन होता है एंड सो ऑन। ठीक, या इन शॉर्ट 2n माइनस वन इंटू पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी किया था पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई नाइन पाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैथमेटिकल है, वो थ्योरेटिकल है। ठीक है, हो गई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्यों करूंगा मैं। देखो पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में डार्कनेस आया या ब्राइटनेस आया, स्क्रीन पे बनेगा ही नहीं फिर वो। हमने तो वो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो स्क्रीन के ऊपर बन रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर या तो डार्कनेस है, स्क्रीन के ऊपर या फिर ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस कब हो रही है, जब पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस 2n पाई है। डार्कनेस पहले एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं उसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा नहीं हो रहा कि, देखो हो सकता है किसी पॉइंट पर पूरी डार्कनेस ना हो, कम डार्कनेस हो थोड़ी ब्राइटनेस भी हो, तो हो सकता है उस केस में एंगल पाई बाई टू हो। बट मैं एकदम प्योर इंटरफेरेंस डिस्कस कर रहा हूं कि अगर डार्कनेस है तो कंप्लीट डार्कनेस है, ब्राइटनेस है तो कंप्लीट ब्राइटनेस है। आई की वैल्यू जीरो कैसे होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो कैसे होगी। देखो केसेस तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं, हम एक बहुत आइडियल इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सट्रीम, बहुत इसको बोलते हैं एक बहुत अच्छा इंटरफेरेंस जो एकदम बहुत जबरदस्त पैटर्न बनाएगा डार्कनेस और ब्राइटनेस के। प्रैक्टिकली करने चलोगे तो शायद ऐसा बनेगा भी नहीं, बिल्कुल आइडियलिस्टिक कंडीशन तो हो नहीं सकती। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली बीच में कोई एंगल बन सकता है या कंप्यूटर के पास। ओके ठीक है, आदर क्लियर है। तो हम दो एंगल्स को डिस्कस कर रहे हैं, और अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूं तो पाथ डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो लैम्डा बाय टू पाई इंटू फाइव। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, टू पाई का मतलब लैम्डा, वन का मतलब लैम्डा बाय, और मेरा फेज डिफरेंस कितना है टू एन माइनस वन इंटू पाई। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय टू पाई इंटू टू एन माइनस वन इंटू पाई, या से कैंसिल कर लो ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
प्लीज इन कंडीशन को याद करके रखना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मुलाज आपको आने चाहिए। एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आ जाता है, राइट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये आपने लिखना है 3 नंबर में बोर्ड के अंदर। अब इसको मैं खैर अभी यूज भी करूंगा अगले रिजल्ट में, स्पेशल केस है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos phi की वैल्यू क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। ठीक, तो cos phi की वैल्यू 1 है, कंस्ट्रक्टिव है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेव का क्या आएगा, cos phi की जगह 1 पुट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी। इट मीन्स कि ये r की वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम, ये r की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी। उसी तरीके से इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू। यहां से आपके पास क्या आ गया, आई मैक्स की वैल्यू आ गई, कोई कांस्टेंट के लग गया, ऑब्वियसली इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन प्रोपोर्शन में होता है, और अगर आपको कोई कांस्टेंट इक्वल टू लगाना है तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट के, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया के इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। के कोई भी कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, चिंता मत करो, दोनों रुको। उसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi की जगह -1, r की ये वैल्यू आ गई, ये r को हम क्या बोलेंगे, r मिनिमम, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, एंड इंटेंसिटी मिनिमम प्रोपोर्शनल टू r मिनिमम का स्क्वायर, k कांस्टेंट लग गया तो i मिनिमम की वैल्यू आ गई। याद रख, भी क्लियर है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो, i मैक्स को, i मिनिमम को, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, k से क्या क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आते हैं, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो गिवन होगी और एम्पलीट्यूड a अपॉन b की रेशियो निकालनी होगी आपने। अभी करवाऊंगा न्यूमेरिकल, पर ये फॉर्मूला नोट कर सकते हो आप, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का ये फॉर्मूला यूज होगा। याद है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट है, अगर अब ये स्पेशल केस करने जा रहे हैं, अभी तक हम क्या मान रहे हैं कि दो वेव जो इंटरफेयर कर रही हैं उनका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, ए एंड बी सेम नहीं है, पर बिल्कुल आइडियलिस्टिक कंडीशन पर ए और बी सेम होते हैं, सेम एम्पलीट्यूड, और अगर सेम एम्पलीट्यूड हो जाएंगे तो जहां मैक्सिमा है वहां एकदम मैक्सिमा आएगा, और जहां मिनिमा है वहां क्रेस्ट और ट्रफ एकदम एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल। तो उस केस में अगर ए बी के इक्वल है तो आर मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर आर मैक्स की वैल्यू ए प्लस ए मतलब 2a, और r मिनिमम क्या आएगी, a माइनस ए यानी कि 0, तो ये i मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, डार्क बैंड्स विल बी परफेक्टली डार्क। तो ये r मैक्स का फॉर्मूला क्या था, अपनी असाइनमेंट में देखो, r मैक्स का फॉर्मूला है a प्लस बी ए प्लस बी, r मिनिमम का फॉर्मूला कब आया था, a, ठीक है ना, तो अगर a b के इक्वल है तो ये तो 2a हो गया और ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 का मतलब है कि वहां पर कोई भी लाइट नहीं होगी, वहां पर एकदम डार्कनेस होगी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। नेक्स्ट, अब आर स्क्वायर की वैल्यू अभी लिख के दिखाई थी, ए स्क्वायर, आप बोलो, वापस आ जाओ, देखो आर का ये फॉर्मूला क्लियर था, cos phi था, मैक्सिमम कर रहे हैं, मैक्सिमा कब आएगा, जब cos phi 1 होगा a प्लस बी, आई मैक्स प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर। तो अभी आपने पूछा था कि यहां पर आर के कैसे आ गया, तो मैंने इसमें ये लो, ठीक, तो मैंने इसमें आपको क्या कहा था कि ये प्रोपोर्शन है आर मैक्स की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और के cos phi, ये आई मैक्स है, आई मिनिमम क्या आएगा, के इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, वहां से आया, ठीक, ये रहा ए आई मिनिमम, तो आई मिनिमम अभी मैंने बता रहा था आर मिनिमम का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, डिवाइड कर लोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, और ये खत्म हो गया रिजल्ट। उसके बाद ए इज इक्वल टू बी पुट करके आर मैक्स आ गया और आर मिनिमम आ गया, ठीक है यहां तक। अब आर की वैल्यू जो अभी आपने निकाली थी उसको स्क्वायर कर दो, ये आर स्क्वायर आ गया, मैं ऐसा पुट कर सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई वन, एक्चुअल में होना ये चाहिए
आई वन इज इक्वल टू के इन टू ए स्क्वायर, चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस ऑफ फाइ। ठीक, मान लो जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए है, तो मुझे मालूम है कि फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी लेट से आई वन है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि आई वन इज इक्वल टू के टाइम्स ए स्क्वायर, सही, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट सिमिलरली आई टू इज इक्वल टू के टाइम्स बी स्क्वायर, ये भी ठीक, अमन ठीक है, ये तो रिजल्ट है ही है, तो यहां से ये आ गया, सिमिलरली सेकंड आ गया। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू के टाइम्स आर स्क्वायर, आई का मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो रिजल्ट आया वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहां पुट कर दो, आर स्क्वायर की जगह जरा वैल्यू पुट करना, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, आई डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करना, जरा क्या आएगा, आई वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, नहीं अंडर रूट ऑफ आई वन डिवाइडेड बाय के, नहीं सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक ठीक है ठीक है, प्लस प्लस आई टू डिवाइडेड बाय के, ठीक, प्लस टू आई वन आई टू डिवाइडेड बाय गलत किया इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं ए और बी की, तो यहां पर ए और बी की रूट में वैल्यू पुट कर लो, ठीक है, ये ए है ये बी है, ए की जगह अंडर रूट ऑफ आई वन बाई के और बी की जगह अंडर रूट ऑफ आई टू बाई के इंटू कॉस वाई, अब सही है, ठीक, के डिनोमिनेटर से क्या हो गया कैंसल, सारे के कैंसल, तो मेरे पास आई की ये वैल्यू आगे क्लियर है जो भी लिखी हुई है इसमें, ठीक है ना, आई इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव। मतलब अगर आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लगाना है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस फाइव, और अगर आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है तो आई वन आई टू टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें, दोनों फॉर्मुलास क्लियर है, वैसे नॉर्मली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ही फॉर्मुला चलता है, इंटेंसिटी का चलता नहीं है, बहुत कम बहुत रेयर, मेथड क्लियर है, आसान है ऑप्टिक्स, सपोज नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अगर ये स्लिट है जिसमें से लाइट बाहर निकल रही थी, इसमें से भी लाइट बाहर निकल रही है, तो लेट से इसकी विड्थ डब्ल्यू वन है, इसकी विड्थ W2 है, तो जितनी ज्यादा विड्थ होगी उतनी ज्यादा लाइट बाहर निकलेगी, विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऐसी सेकंड केस में विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो W1 वन बाई डब्ल्यू टू, ये ओमेगा नहीं है W1 है, W1 वन बाई डब्ल्यू टू इज आई वन बाई आई टू, लेकिन I1 और I2 कैसे प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, आई वन इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आई टू इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, तो शायद एक आध को न्यूमेरिकल आ जाए विड्थ के ऊपर, तो डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इज आई वन बाई आई टू इज ए वन स्क्वायर बाई या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये भी क्लियर है, कोई डाउट इसमें, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल मैथमेटिकल है, इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, क्या एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर
फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हुआ, फ्रिंज विड्थ का मतलब हुआ कि जो पैटर्न बना था कुछ ऐसा पैटर्न बना था। इन ये इनको फ्रिंजेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, इसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन, डार्कनेस ब्राइटनेस, डार्कनेस ब्राइटनेस एंड सो ऑन। तो मेरे को क्या निकालना है, इनकी विड्थ निकालनी है कि अगर ब्राइटनेस की विड्थ क्या होगी, डार्कनेस की विड्थ क्या होगी, फिर ब्राइटनेस की क्या होगी और फिर डार्कनेस की क्या होगी, मेरे को ये निकाल यहां तक क्लियर है। निकाले विड्थ, देखो विड्थ निकालना आसान है। विड्थ के अंदर सबसे पहली चीज, एक बात को समझो, क्या ये मान लो एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है जिसमें से लाइट बाहर निकलेगी, पॉइंट नंबर वन। ये आपकी एक स्क्रीन है जिसके ऊपर पैटर्न बनेगा, ठीक। याद रखना कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन पूरे ऑप्टिक्स में इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय कैपिटल डी। याद रखना डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट कैपिटल डी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स स्मॉल डी। याद रखना दो स्लिट्स के बीच में हमेशा हर बुक स्मॉल डी यूज करेगी और स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस क्या यूज किया जाएगा, कैपिटल डी। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है, ठीक। आगे ये इसका मिड पॉइंट है, ये रहा ये स्क्रीन का सेंटर, ये स्क्रीन का सेंटर है, इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। सेंट्रल पॉइंट क्यों बोलते हैं, देखो क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड स्लिट से इक्विडिस्टेंट है, बराबर है। आप इमेजिन करो कि अगर कोई वेव यहां से आ रही है और अगर कोई वेव यहां से आ रही है और मान लो एम्पलीट्यूड सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वेव्स हैं, तो इनका पाथ डिफरेंस क्या होगा, इनमें जीरो। पाथ डिफरेंस का मतलब है इसमें, पाथ डिफरेंस मीन्स कि इसने जितनी लेंथ कवर की, इसने जितनी लेंथ कवर की, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। अगर इसने 10 मीटर कवर की या इसने 10 लैम्डा कवर की तो इसने भी ऑब्वियसली 10 लैम्डा ही कवर करनी है ताकि दोनों का पाथ डिफरेंस जीरो। ये इनका फेज डिफरेंस क्या आएगा, जीरो, क्योंकि जो फेज ऊपर वाली वेव बना रही है, अगर मान लो ये 20 पाई एंगल कवर हो रहा है तो नीचे 20 पाई एंगल कवर हो रहा है, तो फेज डिफरेंस दोनों का माइनस करेंगे तो फिर से क्या आएगा, जीरो। या इन शॉर्ट अगर ये वेव यहां पर क्रेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है तो ये वेव भी यहां पर क्रेस्ट ही रिप्रेजेंट करेगी, ताकि क्रेस्ट और क्रेस्ट मिलकर बड़ा क्रेस्ट, तो यानी कि यहां पर हमेशा क्या होगी, याद रखना पूरे वेव ऑप्टिक्स में कोई फिनोमिना होगा इंटरफेरेंस का, सेंट्रल पॉइंट हमेशा हमेशा ब्राइटनेस का ही होगा, काम खत्म। सेंट्रल पॉइंट को तो आज के बाद डिस्कस ही नहीं करेंगे, हमेशा ब्राइटनेस। आप अगर ये सोचो भी कि किसी तरीके से डार्कनेस हो जाए तो फिर वो सेंट्रल पॉइंट नहीं होगा। सेंटर मींस ऊपर और नीचे से डिस्टेंस सेम, जब डिस्टेंस सेम तो पार्ट डिफरेंस सेम, पार्ट डिफरेंस जीरो, पार्ट डिफरेंस जीरो तो हमेशा ब्राइटनेस, ठीक हो गया। क्योंकि टोटल एंगल कवर्ड बाय फर्स्ट वेव एंड टोटल एंगल कवर्ड बाय सेकंड वेव सेम है, 20 पाई 20 पाई। अगर आपने 10 वेव निकाली ऊपर वाली वेव ने तो नीचे वाली ने भी 10 वेव निकालनी है। फेज डिफरेंस जीरो, पार्ट डिफरेंस जीरो, जो मर्जी बोलो। दो तरीके हैं बोलने के, या तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा की फॉर्म में बोलो या फिर पाई की फॉर्म में बोलो, या तो आप फेज डिफरेंस में बात करो या पार्ट डिफरेंस, बात तो एक ही है, क्या फर्क है दोनों में, कॉन्सेप्ट को दोनों सेम ही चलते हैं। पर ये समझ आ गया इन दी एंड की वहां ब्राइटनेस होगी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, हमने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करना, हमने तो और पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ यहां पर क्या हुआ होगा इस पॉइंट पर, पता नहीं, बता सकते हो डार्कनेस की ब्राइटनेस, ऐसा क्यों लगा तुम्हें ब्राइटनेस, तुम्हें कैसे
कैसे दिख रहा है यार वहाँ क्रेस्टोट्रफ, मैंने इतनी जान के ब्राइटनेस है डार्कनेस है फेज डिफरेंस है। अभी तो मैंने पिछले लेक्चर से समझा रहा हूं मैं कि अगर फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0, 2π, 4π, 6π, 8π तो कंस्ट्रक्टिव है ब्राइटनेस है, अगर फेज डिफरेंस दोनों में पाई 3π, 5π, 7π डार्कनेस है। अब बोलो क्या है, क्या मैंने आपको फेज डिफरेंस बताया, क्या मैंने आपको पार्ट डिफरेंस बताया, तो आप मेरे को आंसर कैसे बता सकते हो, नहीं बता सकते। ठीक है ना यहां तक, ठीक है यहां तक इस चीज से जस्टिफाइड हो। तो अगर मैं आपको पार्ट डिफरेंस बता दूं, अगर पार्ट डिफरेंस लेट से 3 लैम्ब्डा है तो ब्राइटनेस है, 4 लैम्ब्डा है ब्राइटनेस है, 5 लैम्ब्डा है ब्राइटनेस है, लैम्ब्डा बाय 2 है डार्कनेस है, 3 लैम्ब्डा बाय 2 है, तो सारी गेम कौन प्ले करेगा, पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस। ठीक है यहां तक, इनके बीच में पॉइंट आएगा नहीं ना, लैम्ब्डा बाय 4, लैम्ब्डा बाय 6 हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट में जहां डार्कनेस आई थी वहां पूरी डार्कनेस आई थी, जहां ब्राइटनेस है वहां पूरी ब्राइटनेस है, और किसी ने जाके नहीं देखा कि दो वेव कैसे इंटरफेयर कर रही है। हम तो सिर्फ मैथमेटिकली इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ना तो किसी को वेव दिख रही है, वो तो सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथमेटिकली ऐसा क्या हुआ होगा कि डार्कनेस और ब्राइटनेस आ रही है, यही हुआ होगा जो मैं समझा रहा हूं। ठीक, चलिए आगे। तो इसका मतलब कि डिपेंड करेगा, लेट से ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, हमेशा ब्राइटनेस है, ये कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है पी, जहां पर डार्कनेस भी जहां पर ब्राइटनेस भी कुछ भी हो सकती है। और हाँ, मैं क्या निकाल रहा हूं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिजिड, मैं आपको इस एक्सप्रेशन से दो चीजें बताऊंगा, एक फ्रिज विड्थ तो बताऊंगा कि डार्कनेस कितनी मोटी थी और ब्राइटनेस कितनी मोटी थी विड्थ, एक और चीज बताऊंगा बिना एक्सपेरिमेंट को किए, एक्सपेरिमेंट कर लिया फिर तो स्केल आपके हाथ में, आप मुझे वैसे ही मेजर करके बता दोगे स्क्रीन से, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मैं आपको कैपिटल डी दूंगा, स्मॉल डी दूंगा, लैम्डा दूंगा, आप मेरे को ये बताओ कि सेंटर पॉइंट से, इस सी से सेंट्रल पॉइंट से सेवंथ डार्कनेस, सेंट्रल पॉइंट से सेवंथ कोई डार्कनेस इस स्क्रीन पे आती होगी, सातवीं डार्कनेस, फर्स्ट डार्कनेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, उसका डिस्टेंस बताओ क्या होगा बिना एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करके तो पैटर्न बन जाएगा, और जो पैटर्न बनेगा वो तो आप स्केल से मेजर कर दोगे। हाँ, सेंटर से सेवंथ डार्कनेस का डिस्टेंस, मैं इस एक्सप्रेशन से आपको निकालना सिखाऊंगा कि सेवंथ डार्कनेस कैसे आएगी, एट्थ डार्कनेस कैसे आएगी, सिक्स ब्राइटनेस कैसे आएगी, सेवंथ ब्राइटनेस, कोई मुझे ब्राइटनेस दे देना, मैं आपको एक मिनट बता दूंगा, एक्सपेक्टेशन सेंटर से ही होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, आपको नहीं बताना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, तो एक चीज क्लियर है, तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं इस एक्सप्रेशन में, एक विड्थ, विड्थ बाद में आएगी, और पहले क्या आएगा, एक्स आएगा, एक्स किसका, सारी देखो ऊपर स्क्रीन, ये तो कोई भी एक पॉइंट है पी, ऐसे तो पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, पता नहीं वहां डार्कनेस होगा, पता नहीं वहां ब्राइटनेस होगा, तो आप कुछ भी बोलो, टेंथ डार्कनेस का डिस्टेंस निकालो, मैं एक मिनट में निकाल दूंगा। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक्स वेरिएबल है, टेंथ डार्कनेस के लिए कुछ और है, सेवन डार्कनेस के लिए कुछ और है, फिफ्थ डार्कनेस के लिए कुछ और है, फिफ्थ ब्राइटनेस के लिए कुछ और है, टेंथ ब्राइटनेस के लिए कुछ और है, ये चीज क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें, तो देखें ये दो चीजें कैसे निकलेंगी, पर पहले मैं आपको एक्स निकाल के दिखाऊंगा कि एक्स कैसे निकलेगा। तो देखो सबसे पहले मुझे एक चीज मालूम है कि अगर आप मेरे को ये पाथ डिफरेंस बता दो, ये जो वेव जा रही है यहां से भी एक वेव आ रही है, इनका पाथ डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर पाथ डिफरेंस कैसे निकाले, मेरे को वेव तो नजर नहीं आ रही कितनी वेव्स हैं, मैं नंबर ऑफ वेव नहीं बताऊंगा, ज्योमेट्री लगा लो, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री मुझे साफ पता लग रहा है कि ये डिस्टेंस कितने पी बी, ये डिस्टेंस कितने पी ए, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पार्ट डिफरेंस, इस केस में पार्ट डिफरेंस विल बी इक्वल टू पीवी माइनस पीए। ठीक, कोई डाउट इसमें,
और अगर ये पास डिफरेंस 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n लैम्डा हुआ, समझो कंस्ट्रक्टिव है, और अगर ये पास डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव मीन्स हाँ लैम्डा बाई 2 हुआ, 3 लैम्डा बाई 2 हुआ, 5 लैम्डा बाई 2, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव है। अगर दो केस बनेंगे ना, मुझे क्या पता क्या केस बनेगा, तो करें स्टार्ट। ये चीज क्लियर है, करें स्टार्ट। तो इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले पी बी डिस्टेंस निकालते हैं। पी बी डिस्टेंस के लिए आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लेट से सेंटर से, और सारे डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से लेने हैं, ये मान लो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितने स्मॉल d बाई टू, डी बाई टू एंड डी बाई टू, स्मॉल d बाई टू, और बेस कितने है कैपिटल d। तो पाइथागोरस लगा के ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्मॉल डी बाई टू का होल स्क्वायर। सही यहां तक? ये वैल्यू किस, ये वैल्यू क्या आ गई, पी ऑफ बी आ गई। कोई डाउट इसमें, ज्योमेट्री लगा के आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मैं कहूं पी ऑफ ए निकालो, तो आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स माइनस डी बाई टू, क्योंकि ये डिस्टेंस भी डी बाई टू है, और ये डिस्टेंस मान लो एक्स है, तो ये डिस्टेंस एक्स माइनस डी बाई टू, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल। कोई डाउट इसमें? मतलब स्मॉल डी कैपिटल डी की टर्म में पी भी आ जाएगा, पी ए भी आ जाएगा। ठीक, समझ आ रहे हैं यहां तक? तो ये आपने क्या निकाल लिया, पाथ डिफरेंस। बता चुका हूं पाथ डिफरेंस क्या होगा, पी बी माइनस पी ए या बीपी माइनस ए पी, एक ही बात है। ये भी बता चुका हूं कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट बीपी, तो ये मैंने वैल्यू निकाल के दिखाई थी आपको बीपी की, ये आपके पास बीपी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। यहां तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को इसमें? इसमें एक काम करो, यहां से कैपिटल डी कॉमन निकाल लो, रादर कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये टर्म क्या बन जाएगी वन, और ये टर्म किससे डिवाइड हो जाएगी कैपिटल डी स्क्वायर से। क्या ये मैथ का स्टेप सबको क्लियर है? प्रिया और कौन है मेडिकल का, मोहित, बाकी सब नॉन मेडिकल के है ना, ठीक है ना? यहां तक लास्ट स्टेप है, मैथ्स का स्टेप है ये, आपने प्लस वन में किया हुआ है, ये वन है और ये हाफ है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल के अकॉर्डिंगली इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, हाफ को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, अप्रोक्सीमेट बी पी की वैल्यू आ गई। ठीक, कोई डाउट इसमें? मोहित, नेक्स्ट इसको संभाल के रखो, एपी निकाल लो, एपी ज्योमेट्री से निकाल के दिखाया मैंने, इसमें से भी कैपिटल डी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, अंडर रूट चल रहा है तो डी आएगा, ये वन हो गया, इसकी जगह कैपिटल डी स्क्वायर आ गया, फिर एक बार बाइनोमियल लगाओ, हाफ नीचे आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए पी की वैल्यू आ गई, बीपी निकाल दिया, एपी निकाल दिया, असाइनमेंट में यही है सब कुछ। ठीक, माइनस कर दें बीपी माइनस एपी, तो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो मैंने इसमें माइनस कर दिया, जब मैंने माइनस किया बीपी माइनस एपी, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये चीज क्या है, मेरी पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए दोनों टर्म में से कैपिटल डी कॉमन आ रहा था, जो बच्चा माइनस कर दिया, तो जब आप इसे माइनस करोगे तो माइनस वन से माइनस वन कॉमन, यहां से ओपन करो, ये एलसीएम आ गया टू डी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करोगे इन दी एंड आपके पास ये बच जाएगा। कैलकुलेशन वाला काम आपका है, माइनस कर लेना एलसीएम उलसीएम लेके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट आपके पास एक्स छोटा डी बाई बड़ा डी आ गया। कोई डाउट इसमें? यहां तो क्लियर है, एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक, यहां तो सबको क्लियर है, ये मैंने क्या निकाल दिया, पाथ डिफरेंस। सिंपल करके बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाता, मतलब फिर वो रिजल्ट्स नहीं आते जो हमारे बुक्स में गिवन है, ये तो अप्रोक्सीमेट है। यहां तो क्लियर है ना? तो मैं ये पाथ डिफरेंस आ गया, मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर, ध्यान से देख लो, अगर ये पाथ डिफरेंस, इफ दिस पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, एन
एन लैम्डा का मतलब लैम्डा जीरो, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव बताया था ना। अगर ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा हो जाए तो ये कौन सी इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब कौन सी फ्रिंज बनेगी? राइट फ्रिंज। तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स आ गया। ये एक्स पता है क्या आया? जैसे ये स्क्रीन है, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, x की वैल्यू में अगर आप n को जीरो पुट करोगे तो ये x की वैल्यू आ गई जीरो। मींस x इज इक्वल टू जीरो पर पहला ब्राइटनेस था, पहली ब्राइट फ्रिंज थी। फिर दूसरी ब्राइट फ्रिंज बताओ कहां पर होगी? n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? वन। तो x की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। तो x की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू पर फर्स्ट ब्राइटनेस आ गई। ठीक है यहां तक? बता रहा हूं। अभी मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, ठीक। एक मिनट, अभी ऊपर की बात करें, आगे देखो प्लीज प्रशांत। n की वैल्यू 1 पुट की तो फर्स्ट ब्राइटनेस, 2 पुट करोगे तो x आ जाएगा, x कितना आएगा? 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो ये आ गया 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d पर क्या आएगी? सेकंड ब्राइटनेस आएगी। ऐसी थर्ड का डिस्टेंस आ गया, फोर्थ का आ गया, एंड सो ऑन। ये चीज क्लियर है? और अगर मैं पूछूं सेवेंथ ब्राइटनेस का डिस्टेंस निकालो तो आप इस फॉर्मूले में एन की जगह क्या पुट कर दोगे? आ गया ना आंसर। अब आपका क्वेश्चन, जो पैटर्न ऊपर बनता है ना एग्जैक्टली वही पैटर्न स्विट्री में नीचे बनता है, रेप्लिकेट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग एन की वैल्यू प्लस माइनस वन, मैंने वन टू थ्री का मतलब ऊपर वाला क्वाड्रेंट, नीचे में सेम पैटर्न रिपीट हो जाता है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में काम करेंगे, नेगेटिव अंडरस्टूड है कि वैल्यूज रिपीट है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है ना। तो एटलीस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि n इज इक्वल टू जीरो पर फर्स्ट ब्राइटनेस होगा, और n इज इक्वल टू जीरो का मतलब x इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट पे तो मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था कि पार्ट डिफरेंस जीरो होता है तो हमेशा क्या होगी? ब्राइटनेस। उसी तरीके से n वन पर इतने पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है, एंड लास्ट ब्राइट फ्रिंज कहां होगी? n की जगह सिंपली क्या रख देना है? ठीक है आंसर। ब्राइटनेस होगी। बीच में क्या होगा मैं बताता हूं, अभी ये केस चलने दो, बीच में प्लॉट करके दिखाऊंगा, फिर रुको। ये चीज क्लियर है? इधर देखो, आगे देखते जाओ प्लीज, ब्रेक नहीं करना टॉपिक, ध्यान से देखो। डार्क फ्रिंज, अगर वही पाथ डिफरेंस जो थोड़ी देर पहले आया था वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू होता, अगर तो एन लैम्डा था तो कंस्ट्रक्टिव है, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है तो डिस्ट्रक्टिव है। तो x की ये वो वैल्यूज आ गई जब कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव या फिर मिनिमा, और फ्रिंज कौन सी होगी? डार्क। तो डार्कनेस के पॉइंट्स आ गए। और जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, देखो सपोज ये वो स्क्रीन है, ये सेंटर है, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है, ठीक। 1 पुट किया है तो यही बच गया बस। तो ये मेरे पास, ये मान लो ये पॉइंट आ गया, कितना? लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। तो इस पॉइंट पर क्या आ गया? डार्कनेस, फर्स्ट डार्कनेस। सेकेंड डार्कनेस के लिए n की वैल्यू 2 पुट करो तो x सेकेंड डार्कनेस कब आ रहा है? 3 बाय 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो क्या यहां पुट कर लूं? 3 बाय 2 लैम्डा d बाय स्मॉल d, ये सेकेंड डार्कनेस है। बोलो, जीरो का केस ब्राइटनेस लेके जाएगा, जीरो का केस दोनों को नहीं मिलता, डार्कनेस ब्राइटनेस को। जीरो का केस यानी कि सेंट्रल पॉइंट है, और सेंट्रल पॉइंट पर डार्कनेस नहीं होती, इसलिए डार्कनेस केस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। हाँ, अगर वो मैथ्स यार ट्रिग्नोमेट्री करते हो, 2n प्लस 1 कर लो, अगर ऑड मल्टीपल को 2n माइनस 1 नहीं करना, 2n प्लस 1 कर लोगे तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है, बट नॉर्मली ऐसी कर लो, 2n माइनस 1 करो, और n इज इक्वल टू 0 का केस ब्राइटनेस को दो, डार्कनेस को मत दो। तो सेंट्रल पॉइंट पर ब्राइटनेस ही होती है, तो n इज इक्वल टू 0 का केस ब्राइटनेस ही लेके जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है यहां तक? और आप कुछ समझ सकते हो कि इसके बाद जो डार्कनेस आएगा कहां पर आएगा? 5 बाय
ये चीज सबको क्लियर है, यहां पर भी क्या आएगा, डार्कनेस। अब जो ब्राइटनेस के पॉइंट थे, इस पॉइंट पर क्या था, पहला ब्राइटनेस था n इज इक्वल टू जीरो पुट किया था, दूसरा ब्राइटनेस यहां पर था, कितनी वैल्यू थी लैम्डा डी बाय, अब चार्ट चेक कर सकते हो अभी जो बनाया था मैंने, तीसरा कब था टू, ऐसे ही था ना, एंड नेक्स्ट कब होगा, कोई डाउट किसी को इसमें, एक चीज नोट की, ब्राइटनेस के बाद डार्कनेस, डार्कनेस के बाद ब्राइटनेस, डार्कनेस के बाद ब्राइटनेस, डार्कनेस के बाद ब्राइटनेस, ठीक है यहां तक, ठीक बोल रहा हूं ना। और एक और चीज नोट की, सिमेट्री है, सिमेट्री है, सिमेट्री डिस्टेंसेस में भी सिमेट्री है, कि ब्राइटनेस के एग्जैक्ट, दो ब्राइटनेस के एग्जैक्टली मिड पॉइंट में डार्कनेस है, डार्कनेस के बीच में ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस के बीच में डार्कनेस, दो ब्राइटनेस देख लो, दो ब्राइटनेस के बीच में डार्कनेस है, दो डार्कनेस के बीच में एक ब्राइटनेस है, यानी कि ऑल्टरनेट फ्रिंजेस बनने वाली हैं। तो जो मैंने आपको शुरू में डायग्राम बनाया था ये वाला, तो अब आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि ये ऑल्टरनेट क्यों बना था, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, क्योंकि मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की जा रही है कि ये ऑल्टरनेट ही बनेगा, ठीक है आता, कोई डाउट इसमें, आने दो भी, अभी फ्रिंजमेंट भी आ रहे हैं, ठीक, यही टॉपिक है, करें स्टार्ट, ये लो। अब एक काम करते हैं, फ्रिंज विड्थ निकाल रहे हैं, किसकी पहले निकाल रहे हैं, डार्क फ्रिंज, तो डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाल लें, डार्क फ्रिंज की विड्थ कैसे निकल रही है, देखो अगर आप एक स्क्रीन लो, स्क्रीन से अगर आप लास्ट, बिल्कुल लास्ट, लास्ट ब्राइटनेस लो, ये मेरा लास्ट ब्राइटनेस है, फिर आप एक काम करो, आप सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट ब्राइटनेस लो, और अगर आप इन दोनों ब्राइटनेस के डिस्टेंसेस को माइनस कर दो, तो दो ब्राइटनेस के बीच में क्या थी, डार्कनेस, डार्कनेस, तो आपको विड्थ किसकी मिल जाएगी, डार्कनेस की, आ रही है, आ रही है, वो अभी नेक्स्ट केस में करूंगा, कैसे, हाँ निगलेक्ट किया मैंने, क्योंकि मेरे को, क्योंकि ऐसा है ना, मैं तो मिड पॉइंट से काम कर रहा हूं, या तो मिड पॉइंट्स बोल लो, या उनके स्टार्टिंग पॉइंट्स बोल लो, या उनके आखिरी पॉइंट्स बोल लो, कुछ भी, मैं वैसे काम नहीं कर रहा जैसे आप बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट माइनस करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट में निगलेक्ट हो जाएगा कि थोड़ी सी डार्कनेस ब्राइटनेस, लेकिन लेकिन जब मैं माइनस करूंगा, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन है, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन है, हाँ बिल्कुल है अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होंगी ना, एग्जैक्टली इक्वल मींस अगर आप एग्जैक्ट करोगे, ठीक, मैं अप्रोक्सीमेशन से इक्वल कर दूंगा इसे, प्रूफ अप्रोक्सीमेशन से मैं इक्वल करूंगा, क्यों इक्वल इसलिए आएगी, क्योंकि जब डार्कनेस में अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं तो ब्राइटनेस में भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, तो एक्सपेरिमेंट में काफी चीजों को ना निगलेक्ट किया जाता है, आइडलिस्टिक कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट कहां होते हैं मुझे बताओ, जितने एक्सपेरिमेंट है उसमें तो 10 चीजें अजम्पशन के साथ चलती हैं, तो ये सारी अजम्पशंस हैं इसकी, ठीक है ना, तो इतनी डिटेल में नहीं जा पाएंगे कि यार एक्यूरेटली एक पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट तो रिसर्च हो ही नहीं सकती, हमें अभी देखते हैं, ठीक, यही तो देखना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट समझ आया कि अगर मैं आखिरी ब्राइटनेस में किसकी विड्थ निकाल रहा हूं, डार्कनेस की, आखिरी ब्राइटनेस का डिस्टेंस में से सेकंड लास्ट ब्राइटनेस के डिस्टेंस को माइनस कर दोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डार्कनेस का। तो लेट्स से डार्क फ्रिंज की विड्थ को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एन का मतलब लास्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस, एन माइनस वन का मतलब सेकेंड, सेकेंड लास्ट ब्राइटनेस का डिस्टेंस, दोनों को माइनस करते हैं, आखिरी ब्राइटनेस का ये फॉर्मूला था, अपना चार्ट चेक कर सकते हो, और सेकेंड लास्ट में एन की जगह रिप्लेस कर देना एन माइनस वन, दोनों को माइनस करो, आंसर आ गया लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, आंसर आएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये आपके पास क्या आ गया, विड्थ ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है,
देखो, ब्रेक नहीं करेंगे इसे फिर से। अगर मैं विड्थ ऑफ क्या निकालना चाहता हूं, ब्राइटनेस, तो आखिरी क्या लेना पड़ेगा, डार्कनेस। आखिरी डार्कनेस का अभी हमने डिस्टेंस चार्ट में ये बनाया था, ये मेरा ये देखो ये रहा एनथ डार्क फ्रिंज। तो एनथ डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस को सेकेंड लास्ट डार्क फ्रिंज, सेकेंड लास्ट में क्या करना है, इस एन की जगह रिप्लेस कर देना है एन माइनस, बाकी एवरीथिंग इज सेम। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे आंसर वही आएगा लैम्डा डी बाई स्मॉल डी विद ऑल अजम्पशंस जो हमने किया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि विड्थ ऑफ डार्कनेस और विड्थ ऑफ ब्राइटनेस एग्जैक्टली क्या होती है, सेम। ठीक है यहां तक? तो दो डार्कनेस के बीच में एक ब्राइटनेस की विड्थ आएगी, दो ब्राइटनेस के बीच में एक डार्कनेस की विड्थ आएगी, और विड्थ की वैल्यू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब यहां तक तो क्लियर है, आपको क्वेश्चन आएगा विड्थ निकाल लो डार्कनेस की और ब्राइटनेस की, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा, पक्की बात है। कंडीशन लिखो, विड्थ निकालो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये चैप्टर में करने वाला बस यही है। अगर कि एनर्जी लॉस है ट्रांसफॉर्मर, पूरा ट्रांसफॉर्मर छोड़ दिया टीचर ने, न्यूमेरिकल छोड़ दिया, एनर्जी लॉस दे दिया, और मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि एनर्जी लॉस दे देगा क्योंकि वो आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का। उसी तरीके से ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब किसी टीचर के दिमाग में आ गया, बच्चे रट्टा मार के आ जाते हैं डेरिवेशंस को, ये वो ये नहीं करके आते, तो ये क्वेश्चन चेक करना आया हुआ क्वेश्चन है। कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है, ये क्वेश्चन। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है, ये भी क्वेश्चन। दोनों के दोनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। कोहरेंट सोर्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट्स कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, सेम फेज में होने चाहिए, अगर सेम फेज में ना हो सके तो कांस्टेंट फेज में होने चाहिए। कांस्टेंट फेज समझते हो, कांस्टेंट फेज का मतलब है कि जैसे अगर ये एक स्लिट, ये स्लिट, इसने एक वेव निकाली, इसने ये वेव निकाली, अगर इस वेव का फेज 10 पाई है, इसका फेज 6 पाई है, तो फेज डिफरेंस कितने है, 4 पाई। तो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस कितने है, 4 पाई। ऐसा ना हो कि आप अलग अलग तरीके की वेव निकालनी शुरू कर दो, यहां से अब एक और तरीके की वेव निकालनी शुरू कर दी, आप कह रहे हो कि नहीं सर यहाँ 10 पाई यहाँ तो 12 पाई है, और मैं कहूंगा कि नहीं 4 पाई नहीं 6 पाई है। अब पॉइंट वही है, 4 पाई की जगह 6 पाई कैसे हो गया, तो यानी कि टाइम टाइम नहीं, एक इंस्टेंट पर अगर वो 10 पाई बना रहा है तो 10 पाई बनाएगा। कहने का मतलब, अरे मैं वही बता रहा हूं, अगर वेव चेंज कर दूंगा ना, वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी मैंने, पहले 5 वेव निकाली थी 10 पाई, अब 6 वेव निकाल दी, क्यों निकाल ली, गलत निकाल ली ना। जब मैं एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बोल रहा हूं, एक वेव की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी समझते हो नंबर ऑफ वेव्स, तो अगर वो यहां से यहां जाने में 6 वेव लगती है तो 6 ही लगनी चाहिए। ये नहीं कि पीछे से आपने वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, 6 की इसका साथ, अगर आप ऐसा कर दोगे, हाँ वही तो ना, पीछे से गलत नहीं करना, नहीं करना। मैं इसके उसमें नहीं हूं कि वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए एट ए गिवन पॉइंट, क्योंकि अगर आपका फेज डिफरेंस 2 पाई आर है, किसी इंस्टेंट पर उसी पॉइंट पर आपका फेज डिफरेंस पाई आ गया, गड़बड़ हो गई ना, डार्कनेस की जगह ब्राइटनेस, ब्राइटनेस की जगह डार्कनेस। मैं ये डिस्कस कर रहा कि ऐसा क्यों हो गया, मुझे नहीं मालूम क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने सोर्स चेंज किया, आपने क्या चेंज किया, मुझे नहीं मालूम, मैं वो नहीं डिस्कस कर रहा, बट जो भी होगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, याद है। नेक्स्ट है, दीज सोर्सेज आर नोन एज कोरेंट सोर्स। ठीक, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, कंडीशंस आती हैं, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एक वो इंटरफेरेंस है जो एक जिसे बोलते हैं कि बहुत आइडलिस्टिक कंडीशन में प्रोड्यूस किया हुआ इंटरफेरेंस है, जिसको मैं बोलता हूं अगर एक अच्छा इंटरफेरेंस चाहिए वो तब होगा जब एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के सेम होंगे। जब एम्पलीट्यूड सेम हो गए तो जहां डार्कनेस होगी वहां कंप्लीटली डार्कनेस होगी, और जहां ब्राइटनेस होगी कंप्लीटली ब्राइटनेस है। और ऐसा कब होगा, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, और अगर ऐसा है तो इंटेंसिटी उस केस में ए और बी की जगह हर जगह ए ए ए पुट कर दो,
2a square कॉमन आ गया 1 plus cos 5, मैथ्स का फॉर्मूला 1 plus cos 2 is 2 cos square 5/2, this is a condition for sustained interference. कि अगर आप ऐसा इंटरफेरेंस चाहते हो तो इंटेंसिटी इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. मैथमेटिकल रिलेशन है इंटेंसिटी का और कुछ नहीं है. ठीक, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. ये भी आ जाता होता है, डिस्कस कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट साइड सोर्स ऑफ लाइट. कोहेरेंट मीन आइडेंटिकल सोर्स. मैंने बताया था कि क्या किया था आइडेंटिकल सोर्सेज के लिए, सोर्स एक ले लिया था आगे स्लिट्स कर दी थी. तो देखो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं या मेथड्स हैं. कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, बता दिया था मैंने. सेकेंड है टू कोहेरेंट सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए. अगर व्हाइट लाइट है तो उस केस में इंटरफेरेंस ओवरलैपिंग हो जाएगी, फ्रिंजेस नहीं बनेगी. थर्ड है पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल, पार्ट डिफरेंस स्मॉल होना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप इंटरफेरेंस करने चले, मान लो आपकी स्क्रीन आपने बहुत बड़ी ले ली, या फिर लेट्स से आपने ये स्क्रीन ले ली, ये स्क्रीन है, ये एक सोर्स है और लेट्स से ये एक सोर्स है. आप यहां जाके अपनी इंटरफेरेंस चेक कर रहे हो, लेट्स से एक सोर्स नीचे है, आप यहां जाके इंटरफेरेंस चेक कर रहे हो, एक वेव दूसरी वेव. अब पता लगे कि ये इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है, कि उस केस में आपकी जो लाइट है वो वहां पर पहुंच ही ना पाई, तो उस केस में क्या इंटरफेरेंस होगी, आप खुद सोचो. ठीक है, यहां तक तो आपका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे आप जाओगे एनर्जी लॉस होगा, कम 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 होती जाएगी एम्पलीट्यूड, और एंड में हो सकता है वहां ठीक ना पहुंचे ही ना, तो इंटरफेरेंस किसकी करवाओगे, एक लाइट की, एक लाइट की कैसी होगी. तो इसलिए आपका जो पॉइंट है बहुत दूर नहीं होना चाहिए. कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, वो मेथड वो मैथमेटिकल कंडीशन थी, ये थ्योरेटिकल है. टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो इंटरफेरेंस है सस्टेन्ड हो तो आप एक अच्छी इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेज कोहेरेंट होनी चाहिए. कोहेरेंट बता चुका हूं क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ टू सोर्सेज शुड बी परफेक्टली इक्वल, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए. टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए, और शुड बी पॉइंट सोर्सेज. सेम चीज है यार, जो मर्जी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आ जाए तो भी वही आंसर, और अगर कोहेरेंट सोर्स आ जाए तो भी सेम आंसर, कोई फर्क नहीं इसमें. फ्रिंज शिफ्ट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, हो सकता है कोई आईआईटी की किताब आपको रिफ्रैक्शन करके आपको इसका आंसर दे दे, समथिंग रिलेटेड विद रे ऑप्टिक्स, रे से इसका लेना देना है, बट अभी हम कर नहीं रहे, हम सिर्फ एक फॉर्मूला कर रहे हैं इन केस अगर जरूरत पड़ जाए. फॉर्मूला याद कर लो कि अगर आपकी मान लो एक स्लिट यहां पर, एक स्लिट यहां पर, और वेव्स आ रही हैं, दो वेव्स आई इंटरफेयर हुई, तो आपके सामने ये पैटर्न बन गया, ये पॉइंट सेंट्रल पॉइंट है, ये आगे ये डार्कनेस है, ये ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस है, नेक्स्ट डार्कनेस है. मींस अगर मैं वेव को, अगर मैं रिजल्टेंट ऐसे बनाऊ ना, तो समझ लेना कि ये पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ब्राइटनेस है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, डार्कनेस है. वैसे आइडलिस्टिक कंडीशन में ऐसा होता है, कंडीशन बोलता हूं, एनर्जी लॉस नहीं है, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर ले लो, एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पर सेम है. सेम का मतलब कि जितनी ब्राइट फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उतनी ब्राइट सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, उतनी ब्राइट थर्ड और उतनी ब्राइट फोर्थ. जो डार्कनेस है वो कंप्लीटली डार्कनेस है, डार्कनेस है और डार्कनेस है. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं उसको कंसिडर नहीं करेंगे. मैंने जो आपको सिखाया वो ये सिखाया, ये सेंट्रल पॉइंट पर सबसे ज्यादा ब्राइटनेस है, फिर आपकी डार्कनेस है, फिर आपकी ब्राइटनेस है, एंड सो ऑन, और सेंट्रल पॉइंट एग्जैक्टली यहीं पर आया. क्वेश्चन है अगर मैं एक ग्लास स्लैब को बीच में रख दूं, नीचे वाली स्लिट में से जो लाइट आ रही है उसके आगे एक ग्लास स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस है टी, तो आपका जो पैटर्न है, जो आपका सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट वो यहां की बजाय थोड़ा सा कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा. और अगर मैं स्लैब को ऊपर रख दूं, ऊपर वाली लाइट के आगे रख दूं, तो आपका यही पैटर्न थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरी की पूरी फ्रिंजेस ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, लेट से बाय अ डिस्टेंस ऑफ वाई नॉट. और ये जो वाई नॉट का फॉर्मूला है, वाई नॉट इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, बीटा का मतलब फ्रिंज विड्थ, डिवाइडेड बाय लैम्डा का मतलब वेवलेंथ,
म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब इनटू थिकनेस ऑफ स्लैब टी। तो कई बार एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने देखा है जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको कहेगा कि पैटर्न बन रहा था, इंटरफेरेंस हो रही थी, सेंट्रल पॉइंट सेंटर पे था, पर किसी ने क्या कर दिया, किसी ने ग्लास स्लैब को रख दिया बीच में, ग्लास स्लैब रख दी तो वो पैटर्न शिफ्ट हो गया। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ बताओ, ये फॉर्मुला याद कर लेना, फ्रिंज विड्थ डार्क या ब्राइट की फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी। ठीक है यहां तक, कोई डाउट किसी को इसमें? वेव नहीं खत्म हुआ, वेव अपलिंग खत्म हुआ, अभी तो एक बड़ा है। एक क्या वो एक अकेला ही बराबर है डिफ्रेक्शन वाला, जो इसमें डिफ्रेक्शन किया है किसी ने स्कूल में?
slits in Young's experiment have widths in the ratio W1 is to W2, 4 is to 9. डिस्कस किया था ये क्या होता है I1 is to I2 and A square is to B square. ठीक है ना यहां तक? तो यहां से A upon B की वैल्यू आ जाएगी 2/3. क्या निकालना है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम टू द इंटेंसिटी एट द मिनिमम. इंटेंसिटी मैक्सिमम मींस आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई मिनिमम. हमने डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का होल. ठीक है यहां तक हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व. ए अपॉन बी की रेशियो आपके पास है, यहां से इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ए से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा. पेज नंबर क्या है क्वेश्चन बुकलेट का? 72. क्या समझ आ रहा है? 75. ठीक है, आइडिया क्लियर है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. ठीक, तो मैंने बोला था अभी ऐसा क्वेश्चन आता होता है तो यहां से ही आंसर निकाल लेना कि आपके पास आंसर आएगा 25:1. सॉल्व करके A2 A1, ए की जगह A1 पुट किया है और बी की जगह A2. कुछ भी नहीं करना है यार. विड्थ कितनी है? 9:4 ना, इज इक्वल टू A1 square by A2 square. ये समझ आ रहा है? यहाँ से A1 A2 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, ये देखो ये रही, फिर यहाँ पुट कर दिया, फिर यहाँ पुट कर दिया, फिर यहाँ पुट कर दिया आंसर. ठीक, नेक्स्ट देखो. ठीक, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर 1.5 mm अपार्ट. स्लिट्स आर अपार्ट का मतलब क्या गिवन? छोटा डी की बड़ा डी, स्मॉल डी गिवन. व्हेन द स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एंड द स्क्रीन इज केप्ट 1 meter अपार्ट फ्रॉम द स्लिट, ये क्या गिवन है? बड़ा डी. Width of 10 fringes. 10 fringes का मतलब 10 beta. 10 beta की वैल्यू कितनी है? 3.93 mm. Calculate wavelength of light. Use lambda निकालना है. What will be the wavelength? Sorry, width of 10 fringes. बाकी चलो बाद में करते हैं. पहले 10 beta का क्वेश्चन सॉल्व कर लें. Beta का फॉर्मूला क्या होता है? Lambda बड़ा d by छोटा d. अभी क्या हमने? Width चाहे dark की चाहे bright की, width तो width है. इसकी वैल्यू कितनी है? 3.93. क्वेश्चन में आपको ये निकालना है, आपको ये गिवन है और ये गिवन है, आ जाएगा आंसर लैम्डा का. ठीक है ना? और सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लेना या सब कुछ एमएम में रख लेना, जैसे आपको ठीक लगे. ठीक, मेथड क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में गिवन है What will be the width of 10 fringes? यानी कि मेरे को फिर से एक बार 10 बीटा नहीं, बीटा डैश निकालना है. Obviously, 10 तो चेंज नहीं हो सकता, वो तो कॉन्स्टेंट है. तो क्या चीज चेंज हुई होगी? बीटा डैश. When the distance between the slit and screen is increased by 0.5. पहले डिस्टेंस कितना था? 1. अब डिस्टेंस कितना हो गया? 1.5. तो ये क्या गिवन है? कैपिटल. निकल जाएगा आंसर बीटा डैश की जगह लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी. छोटा डी चेंज ही नहीं हुआ, बड़ा डी चेंज हो गया, तो यहाँ कैपिटल डी डैश की वैल्यू 1.5 पुट कर देना. बाकी एवरीथिंग इज सेम. लैम्डा ए पार्ट से आ चुका है, नया बीटा आ जाएगा. ठीक, 10 इंटू बीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी. आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का कोई बीटा गिवन है, लैम्डा आएगा 5.89 into 10 to the power minus 7 meter. ये लैम्डा आ रहा है. क्यों? ना ना, ये तो फर्स्ट पार्ट है लैम्डा. .393 क्या हुआ है? चेक कर लो, शुरू में एडजस्ट कर लिया. ठीक है ना?
नेक्स्ट है 10 इंटू ये कैलकुलेट कर लेना लैम्डा डी डैश बाई स्मॉल डी आंसर आएगा 5.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। क्लियर है? कितने लोगों का एग्जाम है अभी मंडे को नहीं है, फिर ईएमआई एसी का टेस्ट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव संडे को ईएमआई एसी संडे ऑब्जेक्टिव सैटरडे बीच में है। हाँ ऑब्जेक्टिव है, अभी वैसे भी फिजिक्स की आपने तैयारी की है यार, कुछ तो अटेम्प्ट करोगे ही, मेरे बड़े दोगे यार। ग्रोथ एंड डीके क्यों नहीं आएगा यार? ग्रोथ एंड डीके में जो मेरी असाइनमेंट है वो भी कराएगा ना, तेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता, सफिशियंट है वो। उसके बाद तो तू प्रैक्टिस भी कहां से करेगा, तेरे पास किताब ही नहीं होगी कोई, सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने। ऑब्जेक्टिव टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट आर 0.02 सेंटीमीटर अपार्ट, द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन आर फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर अवे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ राइट फ्रिंज। क्वेश्चन है टू स्लिट्स का मतलब क्या गिवन है, स्मॉल डी। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ क्या गिवन है, लैम्डा। फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन कैपिटल टी। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। अब मुझे पता है ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या था, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, याद है ना, एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी यही था। तो मुझे एक्स निकालना है फॉर फिफ्थ, फिफ्थ का मतलब एन की वैल्यू 5, गिवन अपॉन गिवन पुट कर लेना आंसर। समझ आ रहा है ना, सारी वैल्यूज पुट कर लेना। ये देखो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए एन लैम्डा डी बाय छोटा डी, एन की जगह 5, लैम्डा की जगह पुट कर लेना, कैपिटल डी की जगह पुट कर लेना, स्मॉल डी की जगह पुट कर लेना आंसर। यंग्स एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा गिवन एंड बीटा गिवन, लैम्डा गिवन बीटा गिवन, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ। अच्छा इफ उस नहीं नहीं इफ है ठीक है, फुल स्टॉप बस लग गया ना, स्टेटमेंट कंटिन्यूड है। इफ The entire apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.33. कह रहा है कि पहले वेवलेंथ इतनी है, बीटा इतने है। इस पूरे apparatus को, दो स्लिट स्क्रीन, इसको पानी में डाल दिया, जिसका refractive index 1.33 है, तो बोलो फ्रिंजेस कैसे चेंज होंगी? क्वेश्चन समझ आ गया ना? नहीं नहीं नहीं, स्लैब नहीं, पूरे का पूरा मीडियम ही चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, बीटा बाय चेंज होएगा। पहले एक रिजल्ट याद कर लो, जब भी कोई वेव या लाइट एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, एक चीज कभी चेंज नहीं होती और वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी, लैम्डा चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब मुझे नहीं पता क्या करोगे, मैं आपको ये हिंट जरूर दे सकता हूं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम, या तो क्लियर है, म्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैं ये भी बता सकता हूं कि सी इज न्यू लैम्डा, सुना हुआ है केमिस्ट्री में सी स्पीड ऑफ लाइट, या फिर इसमें ऐसे बोल सकते हैं सी इज न्यू टाइम्स एयर में लैम्डा, लैम्डा नॉट लैम्डा, और वी मीडियम में न्यू तो चेंज होगा नहीं, डिवाइडेड बाय लैम्डा, मीडियम में, मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो गई ना, सी इज न्यू लैम्डा से न्यू इनटू लैम्डा नॉट वैक्यूम में, और मीडियम के अंदर वेलोसिटी वी हो गई तो न्यू तो चेंज होगा नहीं, लैम्डा एम कैंसिल, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लैम्डा नॉट बाय, इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको, मोर देन सफिशिएंट है ये हिंट, नहीं आ गया? देखो ये समझ आ गया ना कि किसी भी मीडियम में जो लैम्डा की वैल्यू है जितनी वैक्यूम में होती है डिवाइडेड बाय क्या हो जाती है, म्यू हो जाती है। मतलब आज का शॉर्टकट है कि अगर कोई लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम वैक्यूम टू वाटर तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय म्यू, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाएगी। समझ आ रहा है यहां तक? रिजल्ट क्लियर है? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं वैक्यूम के अंदर बीटा की बात करूं, वैक्यूम इज एयर में, तो लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, और अगर मैं किसी मीडियम में बात करूं तो बीटा लैम्डा मीडियम डिवाइड, डी और डी को चेंज नहीं करना, ऑपरेटर्स को एज इट इज नीचे डाल दिया ना, स्लिट का डिस्टेंस चेंज किया ना, स्क्रीन का डिवाइड कर दें, बीटा नॉट बाय बीटा, इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एम, अभी डिस्कस किया हमने, और साथ ही ये डिस्कस किया लैम्डा नॉट बाय लैम्डा एम क्या होता है, म्यू। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, इसमें इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं, म्यू, ठीक है ना, इट मींस बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। ये चीज क्लियर है? शॉर्टकट है कि अगर आप किसी भी ऑपरेटर्स को किसी भी मीडियम में इंसर्ट कर दो, डाल दो, पानी में डाल दो, तो उसकी फ्रिंज विड्थ ऑलवेज डिक्रीजेस बाय म्यू। याद रहेगा ये फॉर्मूला? कोई डाउट इसमें? समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में काफी काम आता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, यंग्स एक्सपेरिमेंट में मेरे को लैम्डा गिवन था एंड मेरे को बीटा गिवन था, मेरे को क्या करना है, मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी है, नई फ्रिंज विड्थ निकालनी है, और ये क्या गिवन थी, पुरानी, तो इसको किससे डिवाइड कर देना है, आंसर, तो आंसर आ गया 2 mm डिवाइडेड बाय 1.3 mm, आंसर, कुछ नहीं करना, लैम्डा का कोई यूज नहीं। मेथड क्लियर है ना यहां तक? कोई डाउट इसमें?